हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुमन केसरी। तो फ्रेंड्स, आज जानेंगे कि हम नींबू के पौधे को जो है अपने टेरेस पर कैसे लगा सकते हैं, अपने गार्डन में इसको कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सितंबर का मंथ है, तो देखिए मैंने इस प्लांट की जो है शॉपिंग की है यहाँ पर, और ये मुझे 150 में प्लांट मिला है। तो 150 में फ्रेंड्स ये प्लांट मुझे मिला है। काफ़ी बड़ा प्लांट है ये यहाँ पर, और देख सकते हो आप इस टाइम भी इसकी काफ़ी मोटी है। तो और इस पर नींबू भी लगे हुए हैं, ये देखें यहाँ पर काफ़ी। तो ये परमानेंट प्लांट है। तो फ्रेंड्स, मैंने जो है एक और भी नींबू का प्लांट लगाया हुआ है, उस पर भी फ्लावरिंग हो चुकी है। वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है मेरे यहाँ पर टेरेस पर, जो कि मैंने अपने टेरेस पर ही ग्रो किया हुआ है प्लांट नींबू का। तो फ्रेंड्स, जो ग्राफ्टेड प्लांट होते हैं उनको हम अपने टेरेस पर जो है बिल्कुल ग्रो कर सकते हैं। उनको आसान तरीके से जो है उन पर फ्लावरिंग भी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और अपने टेरेस पर जो है हम फल फ्रूट कुछ भी ग्रो करके इनको जो है लगा सकते हैं, क्योंकि इनको ग्रो करना बहुत ही आसान होता है। जब हम गार्डनिंग करते हैं तो हम सभी प्लांट अपने गार्डन में ऐड कर ही लेते हैं। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, नींबू के प्लांट की हम रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, कैसे इसको लगा सकते हैं अपने टेरेस पर। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इस यहाँ पर टब है मेरे पास में, तो मैंने इनका टब का इस्तेमाल किया है इस प्लांट को लगाने के लिए। तो मैं इसमें प्लांट ग्रो करूँगी अपना, इसके अंदर लगाऊँगी, जो कि काफ़ी बड़ा प्लांट है और काफ़ी बड़ा ही टब भी है मेरे पास में। तो बड़े प्लांट के लिए जो है, या कोई भी फ्रूट प्लांट या कुछ भी हो, तो हमें जो है उसके लिए सबसे पहले बड़ा पोट ही लेना होगा। तो जितना भी बड़ा पोट हम इसके लिए लेंगे तो वो उतना ही अच्छा होगा, उस पर फ्रूट भी ज़्यादा आएंगे और अच्छे से हमारा प्लांट चल भी पाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, तो क्योंकि इसमें मैंने और प्लांट लगाए हुए थे, कुछ बेल वर्गीय सब्जी लगाई हुई थी, तो मैंने उसको निकाल दिया है। तो मैं इसमें सेम हम ऐसे ही नहीं लगाएंगे इसको, क्योंकि जो हमने इसमें बेल वर्गीय लगाई हुई थी सब्जी, तो देखिए उसकी रूट जो है इस मिट्टी के अंदर फैली हुई है। अगर हमने ऐसे ही इसमें अपना प्लांट लगा दिया नींबू का, तो जो ये जड़ हैं इसकी, तो ये मिट्टी को हमारी पोषण नहीं दे पाएंगी। और जब हमारी मिट्टी को पोषण अच्छे से नहीं मिलेगा तो प्लांट भी हमारा अच्छे से नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें चारों ओर इसकी जड़ें फैली हुई हैं। तो हमें इस मिट्टी को बाहर निकालना होगा पहले, और नए सिरे से मिट्टी बनाकर हमें इस टब में भरना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें से मिट्टी निकाल लेती हूँ और साथ ही आपको दिखाऊँगी कि इसमें कैसे रूट्स बनी हुई हैं बेल की सब्जी की। देखिए कैसे मिट्टी भी बहुत टाइट हुई हुई है। तो देखिए, अब जहाँ तक भी इसको निकालोगे तो इसमें से जो है रूट्स ऐसे ही निकलती रहेंगी, क्योंकि इसमें पहले ही प्लांट जो हम लगा लेते हैं तो वो अपनी जड़ें बनाते हैं, और जब वो अपनी जड़ें बनाते हैं तो देखिए कैसे वो हो रहा है यहाँ पर। तो ये मिट्टी मुझे निकालनी पड़ेगी सारी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको आधा टप कर भी दिया है, और उसके बावजूद भी देखिए आप देख सकते हो कितनी इसमें जड़ें फैली हुई हैं। तो इसलिए जो है हमें सारी मिट्टी पहले पोट की निकालनी होती है, चाहे वो कि छोटा प्लांट उसमें लगा हो या बड़ा प्लांट लगा हो, तो हमें इसको खाली करना इसलिए ज़रूरी होता है। तो देख सकते हो आप कैसे इसमें जड़ें फैली हुई हैं। अगर हम इसमें ऐसे ही अपना प्लांट लगा देंगे तो हमारा प्लांट तो अच्छे से नहीं चल पाएगा। तो मैं इसको सारे को निकाल लेती हूँ मिट्टी को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है अपना टब बिल्कुल खाली कर लिया है, और बहुत ही मुश्किल होती है रूट्स को छुटाना। और आप देख सकते हो ये कैसे इसमें रूट्स नीचे तक बनी हुई हैं, तो इसमें हमारा पौधा पनप तो बिल्कुल भी नहीं पाता। तो देखिए, इसलिए हमें जो है अपना पोट की नई मिट्टी बनानी बहुत ज़रूरी होती है। तो देखिए वह हम इसकी नई मिट्टी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ यहाँ पर देखे सूखी मिट्टी ली है, जो कि मैंने मिट्टी चेंज कर दी, जो मेरे पोट की मिट्टी थी वो ये इधर है, मैं इस मिट्टी को जो है नहीं लूँगी। तो और इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर खाद, गोबर की खाद। तो इसका जो है मुझे इस मिट्टी का जो है 50% मैंने इसमें खाद ले लिया है, क्योंकि फ्रूट के प्लांट जो भी होते हैं उनको खाद वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और उनमें जो है
तभी अच्छे से पोषण मिलता है जब हम खाद का मिक्सचर बनाकर अपने पॉट में मिट्टी डालते हैं और पौधों को जो है लगा देते हैं और हमारे प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से चलते हैं। तो देखिए मैं सारी मिट्टी को मिक्स करके अपने पॉट के अंदर डालूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इसमें जो है सारी मिक्स कर ली है मिट्टी और गोबर खाद। तो अब मैं जो हूँ इसको अपने पॉट के अंदर डालूंगी। तो पॉट में मिट्टी भरने से पहले जो है मैं कुछ सूखी लीव्स वगैरह जो होती हैं वो अपने पॉट के अंदर वो डालूंगी, जिससे कि पॉट में जो है अच्छे से रूट्स को जो है अच्छे से हवा भी लग सके और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो नीचे से निकल जाए। तो फ्रेंड्स देखें मैंने यहाँ पर इसको कुछ कचरा वगैरह डाल दिया है अपने गार्डन का इसके पॉट के अंदर। अब मैं इसमें डालूँगी मिट्टी। तो मैंने देखे फ्रेंड्स यहाँ पर इसमें कुछ मिट्टी डाल दी है, आधा पॉट भी मैंने कर दिया है। तो अब मैं जो हूँ मेरा जो प्लांट है मैं इसको पॉली बैग में से निकालूंगी। पॉली बैग में से सेफ्टी के साथ में आपको निकालना होगा प्लांट अपना। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो ये देखे फ्रेंड्स मैंने इसमें से जो है निकाल लिया है अपना प्लांट पॉली बैग में से। तो सूखी मिट्टी है बिल्कुल फ़िलहाल, क्योंकि मैंने इसमें पानी जानबूझकर नहीं डाला क्योंकि मुझको उसको रिपोर्ट करना था। तो आप देख सकते हो मैंने इसको सेम ही रखा है जो जैसे आया था पॉली बैग में से। इसकी मिट्टी हटाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मिट्टी इसकी अच्छी बनी हुई है और कोई बात नहीं, इतनी एक्स्ट्रा मिट्टी भी इसके पास नहीं है क्योंकि मेरा बड़ा पॉट है। तो मैं जो उसमें खाद वगैरह डालूंगी तो उसमें आराम से चला जाएगा प्लांट की जड़ों के अंदर। तो मैं जो हूँ उसको पूरा फिल कर लेती हूँ पॉट को। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने जो है अपना पॉट बिल्कुल फिल कर दिया है। मैंने इसमें जो है 3 से 4 इंच की मिट्टी कम रखी है क्योंकि ये मिट्टी और भी नीचे बैठेगी तो और भी ये नीचे हो जाएगी मिट्टी, क्योंकि हमें बाद में भी अपने पॉट के अंदर खाद वगैरह डालना होता है तो इसलिए हमें थोड़ा गैप रखना होता है पॉट के अंदर। तो आप भी थोड़ा गैप बनाकर रखें पॉट के अंदर, क्योंकि बाद में जब हम खाद वगैरह डालते हैं तो फिर प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड्स मैं इसमें जो हूँ अब वाटरिंग कर दूंगी पानी से, इसको अच्छी तरीके से इसको बिल्कुल भर दूंगी क्योंकि हमारा प्लांट की जो मिट्टी थी वो भी सूखी थी और ये हमने इसमें नई मिट्टी बनाई है। तो नई मिट्टी को जो है हमें जब तक भरना होता है इसमें पानी तब तक ये नीचे से ना निकल जाए होल में से पानी, और जिससे कि हमारा प्लांट अच्छे से मिट्टी इसमें सेट हो जाए। तो ये थी फ्रेंड्स मेरी छोटी सी वीडियो नींबू के प्लांट की रिपोर्टिंग को लेकर। आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके गाइज बाय।